पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एश और ब्रॉक सारे केव में जाते हैं और कैंटो चैंपियन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके बीच में उनको मिस्ट्री भी मिल जाती है। मिस्ट्री के साथ वो सेरुलन केव के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर काफी सारे डेंजरस पोकेमोन थे और ना ही उनके पास मैप था, जिसके चलते उनको बाहर आना पड़ता है। फिर वो वापस से उस केव के अंदर एंटर करते हैं अपने सारे पोकेमोन के साथ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। एश, ब्रॉक और मिस्ट्री केव में आगे बढ़ते रहते हैं, पर थोड़े टाइम बाद वो केव की एंडिंग में आ जाते हैं, यानी कि ये केव खत्म हो चुकी थी। एश बोलता है कि यहाँ पे भी वो चैंपियन नहीं है और सारी केव खत्म हो चुकी है। ब्रॉक बोलता है कि हमें ध्यान से देखना होगा, वो चैंपियन यही कहीं होगा, इसके अलावा वो चैंपियन कहीं पे भी नहीं हो सकता है। एश काफी निराश होकर अपने बाजू वाले बड़े पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, तभी वो पत्थर खिसक जाता है और उनको एक ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि केव की और भी अंदर जा रही थी। एश, ब्रॉक और मिस्ट्री उस ओपनिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बिल्कुल नया रास्ता था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक सीढ़ी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर चढ़ के वो एक और नई जगह पर आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ पर उनको एक काफी बड़ा रॉक दिखता है जो कि उनका रास्ता रोक रहा था। ऐश को याद आता है कि उसने वाइल्ड जोन में एक मचैम पकड़ा था, जिसको निकाल के वो पत्थर तोड़ देता है, जिससे वो आगे बढ़ पाते हैं। आगे बढ़कर उनको एक छोटी सी नदी देखने को मिलती है। एश अपने लैपरेस को बाहर निकालता है, जिस पर बैठकर एश, ब्रॉक और मिस्ट्री उस नदी को पार कर लेते हैं। अब वापस से केव की एंडिंग आ चुकी थी। एश, ब्रॉक और मिस्ट्री काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और बड़ा पत्थर भी नहीं था। तभी पिकाचू को एक बटन दिखता है, जिसको पिकाचू दबाने वाला होता है। तभी ब्रॉक बोलता है रुको, बट लेट हो चुका था। पिकाचू उस बटन को दबा देता है और एक नई ओपनिंग खुल जाती है, जिसके अंदर एश और उसके फ्रेंड चले जाते हैं, जहाँ पर काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और उनके सामने आ जाता है कैंटो चैंपियन। जो कि और कोई नहीं बल्कि रेड था, एक ऐसा पोकेमोन ट्रेनर जिसके पास कैंटो के 150 पोकेमोन्स थे और वो सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। रेड बोलता है कि आखिर मुझे किसी ने ढूंढ लिया और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम हो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन एश केचम। एश बोलता है हाँ, पर तुम कौन हो? रेड बोलता है कि मैं हूँ कैंटो का चैंपियन रेड, बट मैं कोई नॉर्मल चैंपियन नहीं हूँ। आज तक मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है और मैंने पोकेमोन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स तक को डिफीट किया है। एश ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट वो बोलता है कि मैं अपनी ड्रीम पूरी करके रहूंगा और पोकेमोन मास्टर बनने के लिए मेरे लास्ट टास्क के लिए मुझे तुमसे बैटल करनी होगी। रेड बोलता है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। रेड बोलता है रुको, बैटल स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे पास मेरे साथ बैटल करने के लिए सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो ठीक है, बट अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुझसे बैटल करने का। एश बोलता है ठीक है, और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को यूज करने का डिसाइड करता है, क्योंकि रेड एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था। बैटल स्टार्ट होती है, रेड स्टार्ट करता है अपने सूडो लेजेंडरी पोकेमोन ड्रैगनाइट के साथ। वहीं पर एश भेजता है सेप्टाइल को। दोनों ही अपने ट्रेनर्स के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन थे। एश बोलता है कि सेप्टाइल मुझे तुम पर भरोसा है, और ये बैटल स्टार्ट होती है। एश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीड अटैक के साथ स्टार्ट करने बोलता है, पर रेड का ड्रैगनाइट काफी फास्ट था जो कि उसको डॉच कर लेता है। एश बोलता है अच्छा तो ये एक स्पीड बैटल होने वाली है, सेप्टाइल एजिलिटी अटैक का यूज करो। इस अटैक से सेप्टाइल की स्पीड बढ़ जाती है। फिर रेड ड्रैगनाइट को एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि काफी फास्ट था, और ये सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है। एश सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, जिसका ड्रैगनाइट पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि ड्रैगनाइट एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन था। फिर ड्रैगनाइट यूज करता है हरिकेन अटैक का, जो कि सेप्टाइल पे लग जाता है, और ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था जिससे सेप्टाइल पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। एश बोलता है कि जितना मैंने सोचा था रेड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, सेप्टाइल सोलार बीम अटैक का यूज करो। रेड बोलता है कि अगर ये अटैक लग गया तो ड्रैगनाइट हार सकता है, इसलिए ड्रैगनाइट जब तक वो चार्ज कर रहा है तब तक विंग अटैक का यूज करते रहो। ड्रैगनाइट सेप्टाइल के ऊपर काफी सारे सुपर इफेक्टिव विंग अटैक मार देता है, जिससे सेप्टाइल हार जाता है। एश अपने सेप्टाइल को वापस बुलाता है और भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन यानी कि पिकाचू को। बैटल स्टार्ट होती है, दोनों ही पोकेमोन काफी अच्छा फाइट करते हैं, पर पिकाचू डोमिनेट कर रहा होता है अपने स्पीड के वजह से। एश पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और इससे ड्रैगनाइट हार जाता है। रेड बोलता है कि तुमने अपने पिकाचू को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, बट मेरा नेक्स्ट पोकेमोन तुम्हारे पिकाचू को काफी इजीली हरा देगा। और रेड भेजता है आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन आर्टिकुनो को। एश, ब्रॉक और मिस्ट्री ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमोन था। एश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और भेजता है चार्जार्ड को। चार्जार्ड स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोवर के साथ, जो कि आर्टिकुनो पर लग जाता है। फिर आर्टिकुनो आइस बीम अटैक का यूज करता है, जिससे चार्जार्ड जम जाता है। एश बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी था। वो अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे उसकी बॉडी गर्म हो जाती है और पूरी आइस पिघल जाती है। रेड एश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, बट वो अपने आर्टिकुनो को ब्लिजार्ड अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि आइस टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। एश अपने चार्जार्ड को इस अटैक को डॉच करने बोलता है।
बट वो अटैक चार्जार्ड के ऊपर लग जाते हैं, जिससे चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड यूज करता है फायर स्पिन अटैक का। इससे आर्टिकुनो को डैमेज तो पड़ता है बट साथ में वो बर्न भी हो जाता है, यानी कि उसको हर एक टर्न में डैमेज पड़ेगा। रेड अपने आर्टिकुनो को मिस्ट अटैक का यूज करने बोलता है, इससे आसपास हर जगह पे फॉग आ जाती है। चार्जार्ड को कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर आर्टिकुनो लगातार काफी सारे हरिकेन अटैक से चार्जार्ड को डैमेज देते रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहता तो चार्जार्ड काफी इजीली हार जाता, पर तभी ऐश अपने चार्जार्ड को अपने विंग का यूज करके सारे फॉग को हटाने बोलता है, जिससे सारी फॉग हट जाती है। फिर चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर का अटैक करके आर्टिकुनो को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। अब दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। रेड बोलता है कि इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है, कोल्ड अटैक का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि आइस टाइप का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है, अगर ये चार्जार्ड पे लग गया तो चार्जार्ड 100% नॉकआउट हो जाएगा, तुम्हें इस अटैक को डॉच करना होगा। चार्जार्ड इस अटैक को डॉच करने ही जाता है, पर तभी यह अटैक चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और चार्जार्ड हार जाता है। ऐश को नहीं लगा था कि चार्जार्ड आर्टिकोनो से हार जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसके पहले एक आर्टिकोनो को हरा रखा था। अब ऐश के दो पोकेमॉन हार चुके थे और रेड का सिर्फ एक पोकेमॉन हारा था। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजने ही वाला होता है, पर तभी आर्टिकुनो बर्न होता है और वो भी हार जाता है। ऐश सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ। ब्रॉक बोलता है कि बैटल के बीच में तुम्हारे चार्जार्ड ने फायर स्पिन अटैक का यूज करके आर्टिकुनो को बर्न कर दिया था, जिससे उसको हर एक टर्न में डैमेज पड़ रहा था। इससे रेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स के दो दो पोकेमॉन हार चुके थे। रेड अपने नेक्स्ट पोकेमॉन के तरह भेजता है इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप के एक और लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैपडोस को। ऐश भेजता है अपने इन्फर्नेट को। ब्रॉक बोलता है कि रेड को हराना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके पास काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। वो अपने इन्फर्नेट को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, जिसका ज़ैपडोस पे डैमेज पड़ता है। फिर ज़ैपडोस यूज करता है ड्रिल पैक अटैक का, एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग टाइप अटैक जो कि इन्फर्नेप पे सुपर इफेक्टिव था। इससे इन्फर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने इन्फर्नेप को फायर पंच का यूज करने बोलता है, जिसको ज़ैपडोस डॉज कर लेता है। फिर रेड अपने ज़ैपडोस को रेन डांस अटैक का यूज करने बोलता है, जिससे वहां पर बारिश होने लगती है। इससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ते रहेगा, क्योंकि इन्फर्नेप वाटर टाइप से वीक है। वहीं पर ज़ैपडोस को फायदा होगा, क्योंकि वो वाटर टाइप से वीक है, और अगर सामने वाला पोकेमॉन गीला हो जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का ज्यादा डैमेज पड़ेगा। रेड अपने ज़ैपडोस को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, तभी ऐश अपने इन्फर्नेप को डिग अटैक का यूज करके जमीन के अंदर जाने बोलता है, जिससे इन्फर्नेप थंडर से बच जाता है। अब इन्फर्नेप कहीं से भी बाहर आ सकता था, पर तभी रेड एक स्माइल देता है और वो ज़ैपडोस को उस होल के अंदर ज़ैप कैनन अटैक यूज करने बोलता है, जो कि इन्फर्नेप पर लग जाता है, जिससे इन्फर्नेप जमीन पर गिर जाता है। रेड बोलता है कि तुमको हराना तो काफी इजी है, पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि यही तो मैं चाहता था। ऐश का इन्फर्नेप खड़े हो जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है स्टेडियम में। रेड को पता था कि ये ब्लेज एबिलिटी है, बट उसने आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेज एबिलिटी नहीं देखी थी। ऐश बोलता है कि मेरे इन्फर्नेप ने ब्लेज एबिलिटी को मास्टर कर लिया है और आज तक उसको कोई भी नहीं हरा पाया है ब्लेज एबिलिटी में। रेड बोलता है कि कोई बात नहीं, ये आज हार जाएगा। ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लिट्ज अटैक का यूज करने बोलता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे ज़ैपडोस पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर रेड काफी शॉक हो जाता है।